उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और हमारे साथ पूर्व मंत्री और रायपुर से प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खास तौर से ये भी बात करेंगे कि आखिरकार रायपुर विधानसभा सीट में इस बार किस तरीके से वो कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आप फिर से रायपुर में कांग्रेस का झंडा लहराने का काम करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से मैं पार्टी कांग्रेस हाईकमान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे रायपुर से चुनाव लड़ने का निर्देश जारी किया है। मैं यद्यपि तैयारी मेरी डोईवाला में थी, अब रायपुर का हुक्म हो गया तो मैंने हमेशा पार्टी अनुशासन में रहकर पार्टी के आदेश निर्देशों का पालन किया है। अब रायपुर विधानसभा मेरी कोई नई नहीं, मेरा गाँव घर परिवार सब वहीं रहते हैं, तो वहाँ मेरा जन्म, खेल कूद, शिक्षा दीक्षा सब वहीं से, वहीं मैं पढ़ा लिखा, वहाँ से विधायक भी रहा, यूपी के टाइम भी हमारे क्यारी क्षेत्र में रहा, तो वहाँ भी मैंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो वर्षों वर्षों बाद भी याद किए जाएंगे और आगे भी करते जाएंगे। मैं उस दूरदृष्टि वाला आदमी हूँ कि आगे पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान और दोनों पीढ़ियों के लिए कुछ करें। सड़क नाली तो हर एक को बनाता है, टूट जाती है, लेकिन ऐसे स्थायी काम जैसे वहाँ पर स्टेडियम बना हमारा खेल का, वो स्टेडियम स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह यूपी में थे तो मैं उसमें विधायक था शहर से, तो मैंने वहाँ उनसे जमीन स्वीकृत कराई थी स्टेडियम की, और जब हमारी सरकार राज्य में तो स्टेडियम भव्य स्टेडियम बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से वहाँ CBSE पैटर्न पर राजीव गांधी नव विद्यालय छठी से बारहवीं तक नालापानी तौपन रोड पर, और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई उसमें, वो ऐतिहासिक चीज़ें जो वर्षों वर्षों चलती रहेगी। वहाँ पर पॉलिटेक्निक है गुजराड़ा में, ITI है, और 1814 गोरखा युद्ध के स्मरण के लिए आने वाली पीढ़ी के काम आए तो उसके लिए वहाँ पर नालापानी में हमने एक बहुत बड़ा स्मारक खलंगा के नाम पर बनवाया था, जो नालापानी सड़क में जो वन विभाग की आपत्ति निरापण सड़क का वहाँ पर बनवाया हमने। वहाँ निदेशालय भी है, वहाँ हेल्थ का, शिक्षा का निदेशालय वहाँ पर, वहाँ जो रायपुर ब्लॉक बना, ये पहले मैं भी उस समय यूपी में विधायक था, तब उस समय यूपी से इसका बंटवारा करके डोईवाला बहुत बड़ा ब्लॉक हो गया था इस क्षेत्र पर, इसलिए वो रायपुर ब्लॉक का बनवाया था, और उसका पहला प्रमुख भी ग्राम प्रधान बनने बाद में पहला प्रमुख रायपुर ब्लॉक का मैं बना था, तो वहाँ के हर उससे परिचित हूँ। वो हमारा गाँव, गाँव के परिवेश में थे, उसी में सारे लोग थे, द्वारक के रायपुर ब्लॉक के माध्यम से उन्हें विकास के जितनी बस्तियां हैं, पूछते हैं, सड़क है, देहरादून विधायक रहा तो शहर के चारों लगभग 60 बस्तियों को मैं पुनर्धार किया, इंदिरा जी के विश्वस्तरीय कार्यक्रम में सड़कें, पानी, बिजली और बाढ़ सुरक्षा, शहर इस्पना बिंदाल पर और नाला पर पूछते उसी समय के लगे, जो 6-7 पुल हैं वो उसी समय के बने हुए हमारे, तो जो मलिन बस्तियों का उद्धार, सड़क पानी, वो भी सब उसी इस समय का, तो उस दिशा में हमने ऐतिहासिक काम किए जो आज भी और वर्षों वर्षों तक चलते रहेंगे। ये मेरा एक विजन रहा और एक सीमित क्षेत्र तक नहीं रहा, और मैं अगर द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज है, पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये एक विजन था हमारा कि हमारे क्षेत्र में नया राज्य बना, तो लोगों के साथ में लोगों को बाहर जाना न पड़े, हर जिस जनपद में पॉलिटेक्निक ITI हमने उस समय खोले, जिम्मेदारी तिवाड़ी सरकार मुझे मिली थी, तो पॉलिटेक्निक ITI हर जनपद में एक एक दो दो आपको उस समय के मिले। उस समय फिर रोजगार के लिए सिडकुल की स्थापना हुई, मजदूरों कर्म बेरोजगारों के लिए, लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, उनको सुविधाएं दी गई, कंपनियां बाहर से आई यहाँ पर, तो उस विजन के सामने ISPT बनवाया, माजरा में इतना बड़ा 800 बसें नई खरीदी गई, उस प्रदेश को ऊपर उठाने के स्वास्थ्य सुविधा, ठीक परिवहन सेवाएं दें, और हर जिला हेडक्वार्टर से सीधी राजधानी देहरादून बस सेवा, और देहरादून से जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला जैसे राज्यों को हमने एग्रीमेंट करके बस सेवा का संचालन किया, और जो 15-20 साल से चीनी वेज बोर्ड की डिमांड चल रही थी, वो श्रम मंत्री होते मैंने एक ऐतिहासिक काम किया, जो देश के किसी भी राज्य में चीनी मिल के कर्मचारियों का वेज बोर्ड बनके पुनर्निर्धारण तनख्वाह का नहीं, यहाँ मैंने करा है। मुझे आज खुशी है कि वो बच्चों का जीवन पाल रहे, पेंशन मिल, सारी सुविधाएं उनको मिल रही है, इसलिए मैं काम करने का आदर पूरे प्रदेश क्षेत्र मैंने कभी सीमाओं में नहीं बांधा है, तो कभी पूरा प्रदेश को मैं अपना प्रदेश, अपना जनपद मान करके चलाऊँ, इसलिए मुझे जब भी काम मिला
तो मैंने जो कुछ चिरस्थाई काम करने की दिशा में हमने आईटी पार्क बना तो 2,500 लोगों को काम मिला। यद्यपि बीजेपी के टाइम पर सिडकुल भी शशक रही, वो भी शशक रही, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? आईटीआई और बीजेपी के टाइम पर ना तो कोई आईटी बना, ना पॉलिटेक्निक बना, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना अस्पताल कोई बना। 5 साल बिता दिए केवल डबल इंजन और कुछ नहीं, लड़ाई भिड़ाई में 3-3 मुख्यमंत्री बदलकर। तो लोग हताश, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को पेट भर सस्ता अनाज चाहिए, लेकिन नहीं है। ना तो किसान की उपज का मूल्य, ना व्यापारियों को जीएसटी में तुमने मार दिया हम लोगों को, और महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य जहाँ कोरोना महामारी में इलाज न मिलने से देश में मृत्यु दर नंबर 2 पर है पूरे देश में। इतनी लोगों की बेमौत मौत हो गई कोरोना महामारी से। आप क्या करना, बेरोजगारी में नंबर 1 पर उत्तराखंड है। आज मैं नहीं समझता, क्या आपकी 500-600 नहरें बंद हैं? आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे? ये कांग्रेस की सोच थी, तिवाड़ी की सोच थी, जैसे सिडकुल बना, कंपनी आए, 3.5 लाख लोग रोजगार मिला। लेकिन आपकी तो कोई सोच नहीं, ना शिक्षा के बारे में है, ना तकनीकी शिक्षा के बारे में है, ना खेल के बारे में है, ना पलायन रोकने के बारे में है, ना किसानों को उपज का उनका मूल्य मिले, किसानों को खेतों को पानी मिले। कोई बेरोजगारी कर्मचारी हड़ताल धरना प्रदर्शन करते हैं। आपने सर एक सवाल ये भी है कि ये देखा जा रहा था कि हीरा सिंह बिस्ट की जो तैयारियां हैं वो डोईवाला विधानसभा सीट पे ज्यादा, और आपकी सक्रियता भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, और ये उम्मीद ये की जा रही थी कि आप शायद इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव डोईवाला विधानसभा सीट से लड़ेंगे, लेकिन आपको रायपुर भेज दिया गया। अब क्या लगता है कि रायपुर में उमेश शर्मा काओ, जो कि पहले आप ही की पार्टी के, आप ही के साथी हुआ करते थे, उनके समक्ष आप चुनाव लड़ेंगे और उनको पराजित करके फिर आप विधानसभा पहुंचेंगे? ये निश्चित रूप से मैं डोईवाला विधानसभा में तैयारी भी कर रहा था, वहाँ काम भी बहुत किए 2-2.5 साल में। और हम तुलना करते हैं बीजेपी का 18 साल काम और मेरे 2.5 साल के काम का, बजट देख लीजिए, चाहे वहाँ अस्पताल की स्वीकृति हो, वहाँ SDM कोर्ट हो, तहसील बनाने का काम हो, नगर पालिका बनाने का काम हो, गवर्नमेंट में पॉलिटेक्निक बनाने का काम हो, सड़कों का, पुलों का, बाला वाला से दिल्ली तक की बस सेवा का काम हो, ये काम ऐतिहासिक काम, सड़कों की और बिजली पानी की तो बहुत बड़ी वो थी, वो वहाँ ऐतिहासिक काम हमने किए। लेकिन ये नहीं कि मेरा एक कार्य क्षेत्र, ये तो मेरे जन्म स्थल है, यहीं इसी जमीन में, इसी धूल में, खंक में हमने खेले कूदे बड़े हुए, इसको भूल नहीं सकता है। हमारे प्रति जहाँ से मुझे संस्कार मिले, विकास का संस्कार मिले, ईमानदारी के सरसाज मिले, संघर्ष करने के, यही समय डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष 2 बार चुना गया, स्टूडेंट यूनियन सबसे बड़े कॉलेज का, वो सौभाग्य मुझे मिला, तो इस धरती से मुझे मिला, मैं उसको भूल नहीं सकता। मैं तो उनका ऋणी हूँ जो कुछ उन्होंने सिखा, लेकिन मैंने कुछ न कुछ चिरस्थायी काम वहाँ करने के प्रयास किए हैं, तो मेरे लिए चुनौती नहीं है। मेरे लिए तो पार्टी ने जो हुक्म दिया, पार्टी का अनुसार सिपाही और पार्टी और विचारों की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई में हम कहीं बीजेपी हमारे सामने कहीं नहीं खड़ी। अगर बीजेपी कुछ करती आज, पलायन, भुखमरी, महामारी, बेगारी, बेरोजगारी, पलायन चरम सीमा पर है, अस्पतालों की दुर्दशा है, तो लोगों को इसका जवाब देना है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति और जो कुछ काम होगा, जो कोई कैंडिडेट भी रहा हो अगर कांग्रेस में रहा हो तो काम क्यों, आप 5 साल में उपलब्धि बताएंगे ना, 5 साल में क्या काम किया, उसका चिट्ठा तो सब जनता को खुलेगा। लेकिन हम पार्टी के साथ और विचारों का हमारा तकरार है, कोई व्यक्ति का नहीं है, उस दिशा में हम लोग। एक सवाल मेरा और भी है, यदि इस बार हीरा सिंह बिस्ट रायपुर से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो रायपुर की जनता के लिए क्या सौगात देंगे? सबसे पहले हीरा सिंह बिस्ट उनके लिए क्या करेंगे जो रायपुर की जनता को बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है, जिसकी रायपुर की जनता की समस्या, पूरे प्रदेश की जनता की समस्या, उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए यहाँ पर उनको सस्ती शिक्षा, रोजगार जो महंगाई से निजात चाहनी है, जो चरमराती परिवहन व्यवस्था मैंने हर गांव से शुरू कर दी वो फिर चरमराने लग गई है, जो विकास के काम है वो आगे बढ़े, नौजवानों क्या चाहिए, काम चाहिए, वो सिडकुल की व्यवस्था है, जो आईटी पार्क बनाया था जहाँ लोगों को रोजगार मिले थे वो ठप से हो रहे, लगभग सिडकुल सारे बंद हो गए हैं, तो जो वहाँ की आवश्यकताएं हैं, वहाँ शिक्षा दीक्षा उसको पुनर्गठन करना है, रोजगार मिले, खेल की समाधान भी हो, नौजवानों को सस्ती शिक्षा मिले, आने जाने की व्यवस्था सुधार हो, चिकित्सा व्यवस्था मजबूत हो, ज्वार बिल्कुल चरमरा रही है, जैसे मैंने कहा कि अगर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है, दुरुस्त नहीं हुई तो मरने में नंबर 2 उत्तराखंड में, उत्तराखंड देश में है, तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो हम उसको आदर्श विधानसभा बनाने का, ये जिम्मेदारी मेरी है,
विधायक मैं रायपुर का बनता हूँ या कहीं का भी, तो मेरी सोच एक सीमित सोच नहीं रही है। मेरे लिए डोईवाला भी उतना, ऋषिकेश भी उतना, सहसपुर भी उतना, हमारा उत्तरकाशी टेरी, मेरी वो सोच रही है। चूँकि मैंने काम किया, मैंने घूमा है, मैंने हर जनपद में ITI पॉलिटेक्निक बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, जो भी परिवहन सेवाएँ जा कर दी, ITI RTO ऑफिस खुलवाए, कंप्यूटराइज उनको किया है, तो वो शिलकुल बने, वहाँ उसका सर्वे किया, लोगों को रोजगार दिया, 70% आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पर की। तो रायपुर क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। चाहते हैं कंपनियाँ ITI पार्क में, रोजगार लोगों को मिले, प्राथमिक आवश्यकता है। जो महंगाई है वो महंगाई नियंत्रण हो, उसको हम नियंत्रण करने का काम करेंगे। जो पलायन है पहाड़ों से, पलायन रुके, उनको सुविधा दी जाएगी तभी पलायन रुकेगा। सुविधा वहाँ जब मैंने प्रपोजल दिया था उस समय 2002 में सरकार में था कि सारे राज्यों, सारे जिलों में, जैसे हमने राजीव गांधी विद्यालय तो अपन नालापान रोड पर छठी से बारे तो शिक्षा फ्री और CBSE पैटर्न पे, ऐसे मैंने प्रस्ताव दिया था कि सारे जनपदों में करो, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की शिक्षा चिंता होती है, इसलिए वो देहरादून इधर प्लान करते हैं। अगर वो वहाँ हो जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, तो रुक जाएंगे। दूसरे वहाँ की महिलाओं का सशक्तिकरण करने की दिशा में काम करना है। वो दिन भर काम करती है, आज भी वहाँ स्वास्थ्य सेवा में आज भी 4 पैर उठा कर ले जाते हैं डिलीवरी के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो वो काम वहाँ पर करेंगे और सुविधा मिलेगी, तो यहाँ बोझ नहीं पड़ेगा, प्लान नहीं होगी, और ये राजधानी का निर्णय भी जल्दी हो जाएगा कि गैरसन जानी है, परमानेंट अस्थाई हो, इसको निपटाना है, काम लोग करेंगे। ये केवल एक जब आप चाहते हैं कि स्थाई राजधानी गैरसन को बना दिया जाए, नहीं अस्थाई राजधानी तो पार्टी तय करेगी, जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम साथ हैं, लेकिन रोज रोज की तलवार लटकी है वो होगा। और इन्होंने तो कहा है कांग्रेस आएगी तो हम प्रदेश में लोकायुक्त की वो काम करेंगे, इन्होंने तो घोषणा की है, करा कुछ नहीं इन्होंने, करप्शन बढ़ा है, उसका उदाहरण चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है सबसे बड़ा, कि जहाँ से फर्जी रेत खनन के ट्रक पकड़े गए पुलिस को, वो चिट्ठी लिखता है PR मुख्यमंत्री का और छुड़वाते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं और 1 महीने बाद फिर रिस्टेट कर देते हैं। तो ये बातें इससे प्रमाणित हो गया कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस खनन बाजरा रेत बजरी माफियाओं के हाथों में है। तो इसलिए रायपुर विधानसभा के साथ पूरा प्रदेश हमारा फोकस होगा, शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य पानी बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं अपने आप में। हमारा विजन बहुत संकुचित नहीं है, उसको विस्तृत विचारधारा के साथ, जितने डायरेक्टरेट वहाँ पर हेल्थ की मैंने खुलवाई, एजुकेशन के डायरेक्टरेट वहाँ पर है, तो उस क्षेत्र में मत्स्य विभाग का है, एक पहचान बनी है कि स्टेडियम कहाँ है हमारा, कि रायपुर में है। हमारा राजीव गांधी नव विद्यालय कहाँ है, कि रायपुर में है। हमारा ITI पार्क कहाँ है, कि सहदारा रोड पर है। एक पहचान क्षेत्र को दी ना। आज क्या हो रहा, डिफेंस के 4 कारखाने हैं, IRD फैक्ट्री वाले, चारों में कंपनी को दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सरकारी थे, हमारी प्रतिष्ठा थी और अभिमान था हमारा, और उसने नौकरियां रिक्रूटमेंट बंद, और जो लगे थे 150 लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकाल दिए। आज बोर्ड लगा कंपनी का और 1 हफ्ते बाद 150 लोग बाहर कर दिए उन्होंने। तो वो हमारी गौरव गरिमा थी, जो हर वर्ष वहाँ 400-500 लोगों को जॉब मिलता है। जब सर्वे ऑफ इंडिया बंद पड़ा, FRI बंद पड़ा, CDA बंद पड़ा, तो देहरादून की यही शान थी, वो भी रायपुर क्षेत्र में हमारे 4 डिफेंस के कारखाने। तो हमें तकलीफ नहीं होती कि जो कर्मचारी चल रहे बाकी रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है और रिटायरमेंट की तरफ, और खाली जमीनों पर शायद कंपनियों की, भारत सरकार की नज़र होगी जिस तरह से ये स्थिति पैदा, उनको कोशिश करेंगे पुनर्जीवित हो, चलते रहे, ये देश की हमारी धरोहर है, उनको सुरक्षित संरक्षित करना हमारा दायित्व, निश्चित रूप से वो काम करने की बहुत आवश्यकता है। इस सरकारों ने आज BJP के जब से आई कांग्रेस को किए हुए कामों को नीलाम करना, बेचना रेल लाइन, एयरपोर्ट बेचना, ये बेचना, हमारे पावर प्रोजेक्ट को बेचना, ये कोई काम नहीं किया ना, कुछ अचीवमेंट नहीं, उपलब्धि नहीं। आप केवल कोरे भाषण दे दो, बयान दे दो, देश नहीं चला। देश को, लोगों को, बेरोजगारों को काम चाहिए, भूखे पेट को रोटी चाहिए, किसान के खेत को पानी चाहिए, जो शिक्षित लोग हैं उस तरह का रोजगार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो। तो वो काम तो कुछ होकर नहीं दिया, उस तरह से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कांग्रेस का, उसको हम लोग, मैं कांग्रेस से अलग नहीं, कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति हम लोग हैं, हम विचारधारा पर काम करते, उससे देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट, जिन्होंने बताया कि वो रायपुर को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे, इसके साथ ही पूरे प्रदेश में भी विकास की लहर वो बहाएंगे, चाहे शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, या फिर रोजगार की बात कर ली जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस्ट के साथ मैं सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।